समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसान सम्मान यात्रा निकाले जाने के ऐलान के बाद राजधानी समेत पूरे प्रदेश में पुलिस सक्रिय हो गई है। राजधानी के समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके साथ गेट के बाहर भारी पुलिस बल ने अपना डेरा जमा लिया है। कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। देश भर में किसान बिल को लेकर किए जा रहे आंदोलन में किसान बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में निकाली जा रही किसान सम्मान यात्रा के ऐलान के बाद सक्रिय हुई पुलिस। किसी को भी कार्यालय के अंदर न तो जाने दिया और न ही बाहर आने दिया। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई बार धक्का मुक्की भी हुई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। सपा कार्यकर्ता किसान के सम्मान में मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी हाल में पार्टी कार्यालय से हटने को तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि आज वे कन्नौज आने वाले थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। वहीं उनकी सरकारी गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया, जबकि अलोकतांत्रिक तरीके से उनको रोका गया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है कि पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर लोकतांत्रिक गतिविधियों की संपन्न करने में मदद करें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई क्षेत्रों में पुलिस से भिड़ रहे। राजभवन चौराहे, गौतमपल्ली, मंत्री निवास और जनीश्वर मिश्रा ट्रस्ट के पास कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ंत भी हुई। आपको बता दें, सपा कार्यकर्ता अखिलेश के आह्वान पर प्रदेश व्यापी पदयात्रा पर निकल रहे थे। राजधानी लखनऊ में सपा के 3 MLC को गिरफ्तार किया गया है। सपा MLC डॉक्टर राज्यपाल कश्यप, आशु मलिक और उदयवीर सिंह की पुलिस के साथ सपा मुख्यालय जाने के दौरान झड़प हो गई। बता दें, किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव आज कन्नौज में पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लखनऊ पुलिस ने उनके आवास और पार्टी दफ्तर को जाने वाले मार्ग को सील कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया है। प्रदेश भर में लगभग सभी जिलों में सपाइयों ने प्रदर्शन किया। भाई बहन लाइट चला।